सबसे जानना चाहूँगी मैं, एक तरफ हम लड़कियों को प्रमोट करते हैं, उनके टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, एक नारे लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारे देश में एक बहुत ही गुस्से का माहौल चल रहा है। आप सबको पता है 8 साल की बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पे, आप लोगों का रिएक्शन जानना चाहेंगे। आई डू एग्री विद निक्का पाजी, क्योंकि जब ये न्यूज़ बाहर आई थी तो सब लोग अपसेट हो गए थे और यू नो यू गेट वेरी एंग्री, एक ऐसा गुस्सा आ जाता है आपके अंदर। तो जैसे मेकअप भाजी ने कहा कि एक कड़ी से कड़ी सजा और एक इमीडिएट एक्शन होना चाहिए यहाँ, ना कि आप हमारे हिंदुस्तान में आप सेलिब्रिटीज से पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन से पूछ रहे हैं, उससे पहले इतना स्ट्रिक्ट एक्शन इनके अगेंस्ट ले लेना चाहिए, उसके बाद लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हुआ क्या और क्या दर्दनाक उनके साथ किया गया जिन लोगों ने ऐसा किया। आई थिंक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए सरकार को, ना कि ये 4-5 दिन चले, 6 दिन चले, उसके बाद उसको पकड़ा जा रहा है, फिर लाया जा रहा है, फिर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, इससे पहले ऐसे बंदों को ख़त्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उन अपराधियों के लिए। एंड ये एक बार का प्रॉब्लम नहीं है कि इसको हमारी प्रॉब्लम क्या चली लाइफ में कि हम कुछ भी इतना बड़ा हादसा होता है तो 4-5 दिन में उसको भुला देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। हमें इसको हर बार आवाज़ उठानी चाहिए। एंड मैं हो सकता बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, हमें ये याद आता है कि सलमान भाई ने एक हिरन को मार दिया और उसके लेके 20 साल तक एक ही चीज़ चल रही है। 20 साल में पूरे हिंदुस्तान का जो खर्चा है वो सिर्फ एक हिरन के ऊपर जा रहा है, पूरी कायनात, पुलिस का खर्चा, जुडिशरी, सलमान भाई का खर्चा, पूरी दुनिया का एक नज़र वहीं पर जा रही है। और जब आज इतना बड़ा हादसा हुआ है कश्मीर के अंदर, और सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे मुसलमान भाई या हिंदू भाई हैं, मैं जरूर चाहूँगा कि इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा हम सभी का है। वो बहन बेटी वो हिंदू की भी है, सिख की भी है और मुसलमान भाई की भी है, तो इसको हम कॉन्ट्रोवर्शियल ना बनाए या एक धर्म के बीच में इसको ना लेके आए। तो हमारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या चल रही है कि हम इतने बड़े हादसे को मुझे लगता है कि 5-10 में लोग भूल जाते हैं, फिर कुछ नई बात होती है हम फिर उसके ऊपर मुद्दा उठाते हैं। ये बार बार हमें आवाज़ उठानी चाहिए, बार बार हमें लोगों को जगाना चाहिए, मिल के ही आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये चीज़ रुके। ये हमारा फोकस रहता कि किसी पॉलिटिशियन ने क्या किया, किसी सेलिब्रिटी ने क्या किया, तो सारा ध्यान वहाँ बढ़ जाता है। बट जब आम आदमी के साथ ये चीज़ होती है तो हम 5 दिन आवाज़ उठाते हैं, फिर 10 दिन में भूल जाते हैं, भूल ऐसे जाते हैं जैसे वो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये एक तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उनके लिए, उनके अगेंस्ट, और जल्द होनी चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि वो बंदे पकड़े नहीं जाते, मिलते भी नहीं हैं, सब वहाँ पे कैमराज होते, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो लोग नहीं पकड़े जाते जो इतना बड़ा जुल्म करते हैं।